नमस्कार, खबर है उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव की, जहां पर सोफीपुर गांव निवासी इनामीपुर गांव के सिवान में आज शाम लगभग 4:30 बजे अपने खेत में धान की सुहाई कर रहे थे कि आकाशीय बिजली से बाप बेटे और मां तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने तत्काल जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उन्हें लाया, जहाँ पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार रामजी कोतवाल राजू दिवाकर ने पहुंचकर आगे की कार्रवाई किए। वहीं मालूम हो कि सोफीपुर गांव निवासी हीरा राम 65 वर्ष, उनकी पत्नी फूलमती देवी 60 वर्ष, उनके बेटा रमेश कुमार 35 वर्ष, तीनों की उनके खेत में ही मौके पर मौत हो गई। लोगों ने बताया कि एकाएक बिजली की गड़गड़ाहट से सभी लोगों का ध्यान उधर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। आइए जानते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहे उप जिलाधिकारी महोदय जखनिया। देखिए, आज लगभग शाम को 4:30 बजे के आसपास ग्राम सोफीपुर में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। हीरा राम पुत्र विक्रम राम है, इनकी उम्र 65 वर्ष, फूलमती इनकी पत्नी फूलमती देवी उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, और एक बेटा रमेश कुमार जिसकी उम्र 35 वर्ष है, कि आकाशीय विद्युत गिरने से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग इस वक्त CHC में हैं और इसकी मैंने सूचना भेजी है जनपद स्तर पर। जितनी भी इनको आर्थिक मदद दी जा सकती है, हम सभी प्रकार की मदद इनको देने के लिए इसका प्रयास करेंगे, और शीघ्र इनको दैवीय आपदा के अंतर्गत जो धनराशि देय होती है उसका भुगतान करेंगे। वहीं अघटना पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई, जिसने भी देखा और सुना भगवान को ही कोसा।